मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 60 घंटे के लॉकडाउन का असर रीवा शहर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आलम है कि यहां की सड़कों में सन्नाटा छाया हुआ है। शहर के मुख्य मार्गों में एक्का दुक्का इमरजेंसी सेवा के वाहन ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी आम जनता अपने अपने घरों में कैद है। एक साल बाद इंसान के अभाव में सड़कें वीरान हो गई है, जबकि रीवा की करहिया मंडी स्थित बनाई गई अस्थाई सब्जी मंडी खुली हुई है, फिर भी ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। जिला प्रशासन का मानना है कि 2 दिन पहले ही ज्यादातर लोगों ने 2 दिन का राशन पानी जुटा लिया था। वहीं कई लोग दाल रोटी से ही काम चला रहे हैं। शहरवासियों का मानना है कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसों को देखते हुए सरकारें लॉकडाउन लगा रही है। ऐसे में क्यों ना अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 60 घंटे घरों में कैद हो जाएं, जिससे हमारे साथ हमारा शहर सुरक्षित हो। लॉकडाउन का वैक्सीनेशन पर भी असर रीवा CMHO गुप्ता ने बताया कि 60 घंटे के लॉकडाउन का वैक्सीनेशन सेंटरों में स्पष्ट असर दिख रहा है। जिन सेंटरों में सुबह से शाम तक वैक्सीन लगवाने के लिए मारामारी मचती थी, वहां जतकत लोग शनिवार को दिखाई दे रहे हैं। शनिवार के लिए जिले भर में 24 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे, जहां पर 4900 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में आज टीकाकरण की रफ्तार कम होगी, क्योंकि जिला प्रशासन की कड़ाई के कारण ज्यादातर लोग घर से निकलने में डरते हैं। शुक्रवार को मिले थे 83 पॉजिटिव के। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन में शुक्रवार को जिले भर में 83 पॉजिटिव केस मिले थे। ऐसे में जिले भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 445 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 37 है, जबकि कुल 25 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घर की ओर लौटे हैं। इसी तरह